सो ही गाइज, वेलकम बैक माई चैनल वंस अगेन। तो गाइज, इस वीडियो में जो बात करेंगे हम उत्तराखंड जो स्टेट नर्सिंग एग्ज़ाम्स हैं GNM एंड ANM से संबंधित जो भी बातें हैं उससे रिलेटिव्स बातें यहाँ पे हम बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअली GNM और ANM के पे मैं जो है इसका जो मैं बता नहीं पा रहा था, तो अभी इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो डेट्स है वो तो आपको आप देखते ही हैं, आपको तो पता ही होगा कि कब लास्ट डेट है, कब एग्ज़ाम्स होना है। ठीक है, वो तो मैं आपको बताऊँगा ही। ठीक है, बाकी आपको जो है एक चीज़ और बता दूँ, जो फीस का भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, 1500 रुपये उनके लिए है सामान्य और OBC के लिए, बाकी जो अदर कास्ट है, अदर कास्ट में आपकी सारी आ गई, उनके लिए 1000 रुपये है। ठीक है, 1000 रुपये फीस उनके लिए है। और दूसरा जो एक चीज़ है कि भाई, अगर आप, वो भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जो आप दूसरे स्टेट से हैं, आपका उत्तराखंड का जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है, यानी आपके पास में उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है और आप दूसरे स्टेट से हैं, लेकिन कंडीशंस क्या है उसमें, अगर आपने 10th या फिर 12th यहाँ से कर रखा है उत्तराखंड से, उत्तराखंड बोर्ड से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। बस रूल्स क्या है, कंडीशंस क्या रहेगी कि अगर आप जो है SC ST OBC किसी भी जाति के हैं, आप उसके थ्रू यहाँ पे जो है अपना जो है आरक्षण नहीं लगा सकते हैं, यानी आप उसके थ्रू यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, आप जनरल कैटेगरी में ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन उन्होंने 10th या 12th बाहर से किया है, वो तो अप्लाई कर सकते हैं, उनका यहाँ पे पूरा लगेगा, जो भी कैटेगरी है वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो उत्तराखंड के उनके स्थायी निवासी हैं। एज की 17 और 35 बता रखा है, 17 से 35 साल। ठीक है, ANM केवल फीमेल्स के लिए होती है, GNM में 20% सीटें जो है मेल्स की हैं, बाकी जो है फीमेल्स की हैं। ठीक है, जैसा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मैंने बता रखा है, ANM के लिए कोई भी आर्ट्स या वो साइंस वाला अप्लाई कर सकता है, GNM के लिए भी पिछले बार से जो है लास्ट ईयर से जो इसमें कुछ चेंजेस आए, पहले तो जो है साइंस वाला ही इसके लिए अप्लाई कर पाता था, अब जो है आर्ट्स वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस ये देखिए 40% मांगा हुआ है GNM के लिए भी, और ANM के लिए मिनिमम 40% मांगा हुआ है। ठीक है, बाकी ये है कि ANM के लिए GNM के लिए आपके पास में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, GNM के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, इंग्लिश जो है सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश कंपल्सरी है। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तराखंड प्री ANM तथा GNM प्रवेश परीक्षा 2021 में बैठने वाले अभ्यर्थी GNM तथा ANM पाठ्यक्रमों में से केवल एक अथवा दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी आप एक के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और दोनों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, पर शर्त है कि जो है संबंधित पाठ्यक्रम के लिए अर्हता रखते हैं, प्रत्येक पाठ्यक्रम में तो अभ्यर्थी को ऑनलाइन भर्ती समय ANM नर्सिंग तथा GNM नर्सिंग तथा दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होना के बारे में सूचनाएं देनी होगी, साथ ही अपने परीक्षा में सम्मिलित हेतु विकल्प करना डायरी शुल्क भी जमा करना होगा, यानी ठीक है आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका जो भी आपकी वो है। तो INC ने जो है इस बार कुछ चेंजेस किए हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने। ठीक है, बाकी जो है OBC का जो है 3 साल का होता है, आप देख लेना OBC सर्टिफिकेट आपका जो है रिन्यूअल है या नहीं है। एग्ज़ाम्स का जो है, अब देखिए सीधे सिलेबस की बात करते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न ANM का देखिए, सामान्य भाषा हिंदी के 20 आएंगे, प्रारंभिक गणित के 20 आएंगे, सामान्य विज्ञान के 20, सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपको क्वेश्चन लाऊंगा इसके। ठीक है, काफ़ी जी क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली जो आपका आता है सामान्य भाषा में, हिंदी में आपके ये जो हिंदी से जो क्वेश्चन आ गए हिंदी ग्रामर से यह। ठीक है, प्रारंभिक गणित में आपके जो है 10th तक की जो मैथ आएगी थोड़ा बहुत वो आ जाएगी। ठीक है, सामान्य विज्ञान में आपके जनरल साइंस आ गया, जो आपके जनरल साइंस जो आपका 10th का जनरल साइंस है, 12th का जो आपने जनरल साइंस जो पढ़ा होगा उससे बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं, और सामान्य ज्ञान आपको पता है जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आ जाएंगे थोड़ा बहुत, वही GNM में भी सेम है, सामान्य भाषा आना है, सामान्य भाषा एडिशनल से यहाँ पे अंग्रेजी आ जाएगा थोड़ा बहुत, अंग्रेजी में भी आपका जो है ये थोड़ा बहुत अंग्रेजी में आपका ये दे देगा
आपका नॉलेज के लिए कि भाई जो है करेक्ट जो वर्ड्स होते हैं उनको इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया ये वगैरह वगैरह। तो मैं उसका अलग से ही बना दूंगा, जब पेपर्स बता दूंगा कुछ टाइम बाद तो उसमें बता दूंगा। प्रारंभिक गणित आपकी थोड़ा बहुत मैथ आ जाएगी, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस सेम रहेगा जैसा एनएम का आना है वैसे आपका थोड़ा, और सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज हो गया। ठीक है, तो पेपर एएनएम और जीएनएम का लगभग सेम पैटर्न है, बस यहाँ पे जीएनएम के लिए सामान्य भाषा अंग्रेजी के भी क्वेश्चन जो है ऐड रहेंगे। ठीक है, निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है अपना इसमें मैं अब सीधे यहाँ पे सीट्स देख लेते हैं। सीट्स की बात करें स्टेट नर्सिंग कॉलेज में जो है स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून में है, 50 सीटें जीएनएम की है, 50 सीटें एएनएम की है। बीडी पांडे कॉलेज जो नैनीताल वाला है 30 सीटें वहाँ पे आपकी जीएनएम की, और जो महिला हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग सेंटर रानी पोखरी देहरादून में 20 सीटें एएनएम की यहाँ पे हैं। ठीक है, और पौड़ी वाली में जो है 20 सीटें जो है एएनएम की है। देखो जीएनएम की तो कम सीटें होती है, ठीक है, जीएनएम की 80 सीटें हैं गवर्नमेंट में, और यहाँ पे देखिए अदर कॉलेज भी हैं क्या इसमें, अदर कॉलेज हैं जीएनएम की 60 सीटें इसमें है, राजकीय स्कूल कुंद्रोसनाबाद हरिद्वार में है, और बाकी इसमें तो 60 सीटें ये हैं, और आपके 30 सीटें जो है ये हैं 60 × 3 = 90 और 50 सीटें ही हैं, तो 140 सीटें हैं टोटल जीएनएम की, बाकी जो है एएनएम की है। ये इतनी है तो आपको, क्योंकि अब प्राइवेट में तो क्यों ही एडमिशन लेना, प्राइवेट में जो है आपको फीस तो वहीं पड़ेगी, अगर आप जो स्टेट कोटा से जाए या डायरेक्ट एडमिशन तो फीस तो आपको सेम पड़नी है। इसलिए ये इंट्रेंस एग्जामिनेशन आप इसलिए दे रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज निकालना है, गवर्नमेंट सीट निकालनी है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट सीट निकालनी है तो जनरल कैटेगरी वाली जो है 200 रैंक के अंदर अंदर अपनी जो है रैंक लानी है, तब जाके आपको जो है गवर्नमेंट सीट यहाँ पे मिलेगी। तो मैं इतने क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है, जेएनएम जेएनएम दोनों के लिए क्वेश्चंस लाऊंगा।